अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मेरा हूं सुहेल अब्बास। नाम विक्टर है और मैं हूं दाऊ। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हमारी तरह ही हैं या हमसे ज़्यादा अच्छे हैं? ये क्यों होने नहीं है, अच्छा ठीक हमसे हूँ, ज़्यादा अच्छी होंगे। हमसे ज़्यादा अच्छे हाँ, होंगे। सर्दी बड़ी है इधर। आपको तो वैसे भी ठंड लगी हुई है। हाँ ठीक है दाऊद भाई, आप कैसे हैं? मैं जी नाम ठीक ठाक। ठीक ठाक है। हाँ जी और वीडियो का टाइटल ज़रा बताएं ना, ज़रा स्क्रीन ऑन करें। जी, टॉप 10 मोस्ट लग्जरियस ट्रेन्स इन इंडिया। हाँ जी, चैनल, BMA's हाँ टॉप टेन जी हिंदी चैनल का नाम है जिस चैनल हिंदी, से वीडियो को रिलीज़ किया गया है। बड़े सब्सक्राइबर है यार बंदे थे, क्या अच्छा, बात है। टॉप टेन? हाँ थोड़ा यार, बहुत बड़ा अच्छा चैनल मिलियंस में तकरीबन। जनाब गेम हाँ है। जी, व्यूज़ भी बिलियन, 12 बिलियन व्यूज़ हैं जो वीडियो हम देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट हमेशा आपसे करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सुपर रिएक्शन ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। देखते हैं वीडियो, टॉप 10 मोस्ट लग्जोरियस ट्रेन इन इंडिया। 1 2 3 एंड स्टार्ट। इंडिया की टॉप 10 लग्जरी ट्रेन्स। ट्रेन से भागकर उतरना या ट्रैक्स पर चलना खतरनाक है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आखिरी बार आपने ट्रेन का सफर कब किया था? आपका आपके अपने चैनल टॉप 10 पर एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया की टॉप 10 ऐसी लग्जरी ट्रेन्स के बारे में जिनका सफर करके आपको राजाओं महाराजाओं सा महसूस होगा। ना सिर्फ ये ट्रेन्स भारत की शान है बल्कि इनका नाम दुनिया की सबसे लग्जूरियस ट्रेन्स में गिना जाता है। इन सारी ट्रेन्स के सफर में प्रकृति का सौंदर्य बसता है और आपको इसका अनुभव जरूर करना चाहिए, लेकिन आपकी खुद की खरीदी हुई टिकट के साथ। और कुछ टिकट्स इतनी महंगी हैं कि शायद इन्हें खरीदने के लिए मुझे अपनी किडनीज भी बेचनी पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। 10. हेरिटेज ऑन व्हील्स। इंडिया की सबसे पुरानी लग्जरी ट्रेन्स में से एक हेरिटेज ऑन व्हील्स राजस्थान की धरोहर की सैर करवाती है। इसके कई कंपार्टमेंट्स पैलेस ऑन व्हील्स से लिए गए हैं और इसलिए इसकी शान और शौकत में कोई कमी नहीं है। इसका रूट राजस्थान के बीकानेर, नवलगढ़ और पूरे शेखावटी हिस्से से होकर गुजरता है। इस बेहद खूबसूरत ट्रेन में सफर करने का किराया 10,000 से 20,500 रुपए के बीच है। हेरिटेज ऑन व्हील्स हफ्ते में केवल 2 दिन जयपुर से चलती है। शाही कैबिन्स, कॉन्टिनेंटल लोकल रेस्टोरेंट्स और आलीशान बार्स इस ट्रेन को हर तरह से लग्जरी बनाते हैं। 9. पंज तख्त दर्शन ट्रेन। ये ट्रेन खास तौर पे सिख समाज के लिए बनाई गई है जिसमें बैठकर व्यक्ति एक ही बार में देश के 5 प्रमुख गुरुद्वारों के दर्शन कर सकता है। ट्रेन में पंजाबी संस्कृति की झलक साफ साफ दिखाई देती है। इस ट्रेन का रूट दिल्ली से अमृतसर, सरहिंद और भटिंडा तक का है और ये सफर केवल 4 दिनों में तय कर लिया जाता है। आप सोच रहे होंगे पाउंटा और नांदेड़ साहिब का क्या? तो फिक्र ना करें, इस ट्रेन के पैकेज से दोनों जगहों तक फ्लाइट से पहुंचाया जाता है और वापस दिल्ली भी लाया जाता है। वैसे इस ट्रेन को शायद लग्जरी ना कहा जाए लेकिन ये अपने आप में एक सबसे अनोखी और अलग ट्रेन जरूर है। 8. महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस। ये एक स्पेशल लग्जरी ट्रेन है जो बौद्ध भारत का दर्शन कराती है। इस आध्यात्मिक ट्रेन में मालाएं पहनाकर स्वागत किया जाता है और मुफ्त में बौद्ध साहित्य भी दिया जाता है। इस ट्रेन का सफर भगवान बुद्धा के जीवन पड़ाव के साथ साथ चलता है। उनके जन्म के स्थान से लेकर उनके निर्वाण स्थान तक ये ट्रेन सब जगह ले जाती है। दिल्ली से बिहार और नेपाल तक जाने वाली ये देश की चुनिंदा इंटरनेशनल ट्रेन्स में से एक है। क्योंकि ये ट्रेन नेपाल तक जाती है इसलिए यात्रियों के पास वीजा होना जरूरी है और ये बॉर्डर पर आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है। इस ट्रेन में 7 दिनों के पैकेज के लिए फर्स्ट क्लास के 75,000 और सेकंड क्लास के 60,000 रुपए लगते हैं और भारतीय नागरिकों को 10% की छूट भी मिलती है। यात्रियों को कोई असुविधा ना हो इसलिए एक हिंदी भाषी अटेंडेंट भी दिया जाता है। सारे बौद्ध तीर्थों तक कम समय में और आसानी से पहुंचने का बेहतरीन साधन है। 7. रॉयल ओरिएंटल ट्रेन। रॉयल ओरिएंटल ट्रेन इंडिया की सबसे पुरानी लग्जरी ट्रेन है जो ब्रिटिश राज के दौरान शुरू की गई थी। 1855 से चलने वाली ये ट्रेन
दिल्ली से चलकर राजस्थान और गुजरात के हर बड़े शहर तक का सफर तय करती है। इस 5-स्टार ट्रेन में शानदार कैबिन्स, कई तरह का खाना बनाने वाले रेस्टोरेंट और एक बार भी है। इसके अलावा अगर आप बोर हो जाते हैं तो इसमें एक लाइब्रेरी भी है जो हर समय आपके लिए खुली है। एहसास कीजिए कि 5-स्टार होटल का जो कुछ भी वहाँ होता वो सब इस ट्रेन में मौजूद है। इसके लग्जूरियस कैबिन्स में एसी, टीवी, डीवीडी और पर्सनल बाथरूम भी होते हैं। और इसकी खास बात ये है कि ये हमेशा समय पर चलती है। इसकी एक टिकट की कीमत 8,000 रुपए प्रतिदिन है, जो इतने आरामदायक सफर के लिए कोई ज्यादा नहीं है। 6. फेरी क्वीन एक्सप्रेस। अगर आप एक छोटे और रिफ्रेशिंग सफर पर जाना चाहते हैं, तो ये ट्रेन आप ही के लिए बनी है। जी हाँ, दिल्ली से अलवर को जाने वाली फेरी क्वीन एक्सप्रेस कुछ ऐसा ही सफर करवाती है। सरिस्का नेशनल पार्क तक टूरिस्ट को ले जाने के लिए इस ट्रेन को शुरू किया गया था। 1800 के समय से चल रहा इसका इंजन इंडिया का सबसे पुराना ट्रेन इंजन है, और इसलिए इस ट्रेन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। कई अवार्ड से सम्मानित ये ट्रेन का रहना और खाना मुफ्त है। सरिस्का नेशनल पार्क की जंगल सफारी एक टूरिस्ट को ले जाना इस ट्रेन का मुख्य उद्देश्य है। 11,000 रुपए में ये 2 दिनों का एक सुखद सफर कराती है। बस बात ये है कि ये महीने में केवल 2 ही दिन चलती है, और इसलिए आपको पहले ही टिकट बुक करवानी होगी। इस ट्रेन की बनावट इस प्रकार की गई है कि इसमें बैठने वाले सारे 60 पैसेंजर्स कांच के द्वारा आगे की ओर देख सकते हैं, और इस ट्रेन की विशाल पेंट्री कार भी एक विशेष आकर्षण है। 5. गोल्डन चैरियट। पूरे साउथ इंडिया का टूर करना चाहते हैं? गोल्डन चैरियट से अच्छा और कोई तरीका नहीं है। पूरे दक्षिण भारत का टूर केवल 8 दिनों में कराने वाली ये ट्रेन वाकई में शाही है। 2008 में शुरू की गई इस ट्रेन में शाही बैठक, कई सारे रेस्टोरेंट्स और एक अत्याधुनिक जिम भी है। अगर आप लंबे सफर की वजह से थक चुके हैं, तो इस ट्रेन का आयुर्वेदिक स्पा आपकी सेवा में हर समय हाजिर रहेगा। कोई शक नहीं, एशियाज बेस्ट लग्जरी ट्रेन का खिताब भी गोल्डन चैरियट के ही नाम है। गोल्डन चैरियट के हर कोच का नाम कर्नाटक पर शासन करने वाली रियासतों पर है। बेंगलोर, मैसूर, हम्पी, गोवा, पुडुचेरी और मदुरई जैसी सारी मुख्य जगहों से होकर ये ट्रेन गुजरती है, और इस ट्रेन का खर्च भी इसके जैसा शाही है। एक टिकट की कीमत 2,60,000 से 4,30,000 रुपए है, और गोल्डन चैरियट के 2 टूर पैकेज हैं, सदर्न स्प्लेंडर और प्राइड ऑफ साउथ। 4. डेक्कन ओडिसी। महाराष्ट्र और गुजरात के खूबसूरत स्थानों तक ले जाने वाली ये ट्रेन की बनावट किसी महल से कम नहीं है। नक्काशी का उपयोग और कई सारी सुविधाओं के साथ ये भारत की सबसे आलीशान ट्रेन्स में से एक है। सारी लग्जरी ट्रेन से अलग डेक्कन ओडिसी में लाउंज और पर्सनल कॉन्फ्रेंस कार की सुविधा भी है। तो अगर आप एंजॉयमेंट के बीच अपने काम को रोकना नहीं चाहते, तो ये ट्रेन इस बात का खास ध्यान रखती है। रेस्टोरेंट से मिलने वाला मनपसंद खाना और म्यूजिक सफर को बेहद आरामदायक बनाते हैं। मुंबई के शोर से लेकर अजंता की गुफाओं तक, गोवा की बीचेस और नासिक के मंदिरों तक इस ट्रेन का सफर किसी सपने जैसा है। डेक्कन ओडिसी में डीलक्स कैबिन 4,20,000 से शुरू होते हैं, और प्रेसिडेंशियल स्वीट की कीमत 9,24,000 है। तेज रफ्तार से चलने वाली ये ट्रेन हमेशा समय की पाबंद और हॉस्पिटैलिटी में आगे रहती है। 3. पैलेस ऑन व्हील्स। नाम की तरह ये ट्रेन एक चलता फिरता पैलेस है। राजस्थान भ्रमण के लिए इस ट्रेन को खास तौर पर बनाया गया है। महलों सी नक्काशी और खूबसूरत चित्रकारी इसकी पहचान है। मारवाड़ी पकवान और ठेठ मारवाड़ी हॉस्पिटैलिटी सभी यात्रियों का दिल खुश कर देती है। इस लग्जरी पैलेस का सफर नई दिल्ली से जयपुर और चित्तौर होते हुए जैसलमेर, उदयपुर और जोधपुर को जाता है। ट्रेन का लक्ष्य राजस्थान के सारे टूरिस्ट स्पॉट्स को कवर करना है। राजस्थान का टूरिज्म भी इस ट्रेन का खास प्रचार और देखभाल करता है। आपको कई विदेशी टूरिस्ट इस ट्रेन में नाच गाने और राजस्थानी खाने का लुत्फ उठाते दिखेंगे। इस ट्रेन में एक व्यक्ति के सफर का किराया 51,000 से 1,08,000 रुपए है। 2. राजस्थान ऑन व्हील्स। भारत की सबसे महंगी और आलीशान ट्रेन, जिसकी टिकट्स खरीदने के लिए शायद घर का कुछ सामान भी बेचना पड़ जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान ऑन व्हील्स की, जिसमें एक व्यक्ति के सफर की कीमत
3.5 लाख से 7.5 लाख रुपए है। आगरा के ताजमहल से लेकर वाराणसी के गंगा घाटों तक और खजुराहो के मंदिरों से राजस्थान के किलों तक ये ट्रेन भारत की अद्भुत सुंदरता को देखने का एक अमूल्य तरीका है। कई अवार्ड से सम्मानित ये ट्रेन वाकई में भारत की शान है। राजस्थान ऑन व्हील्स के 14 कैबिन्स में हर प्रकार की सुविधाएं हैं, जैसे जिम, स्पा, रेस्टोरेंट्स, फ्री वाईफाई और पर्सनल टीवी। ये कम समय में उत्तर भारत देखने का एक शानदार साधन है। अधिकतर विदेशी भारत को जानने और समझने के लिए इस ट्रेन को चुनते हैं और वे इस ट्रेन की मेहमान नवाजी को देखकर इसमें दोबारा आने के वादे करते हैं। एक महाराजा एक्सप्रेस। महाराजा एक्सप्रेस इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे लग्जूरियस ट्रेन में से एक है। ये ट्रेन शाही अंदाज में भारत दर्शन के लिए खास तौर पर बनाई गई है। इसके अधिकतर यात्री दूसरे देशों के होते हैं और इसलिए इसकी मेहमान नवाजी देश के सबसे बेहतरीन दल के हाथों होती है। महाराजा एक्सप्रेस का सफर केवल अप्रैल से अक्टूबर तक किया जा सकता है। ट्रेन की कुल लंबाई 0.5 मील है और इसका नाम दुनिया की 5 सबसे खूबसूरत ट्रेन में गिना जाता है। ट्रेन के हर कोच का नाम कर्नाटक पर शासन करने वाली रियासतों के नाम पर है। महाराजा एक्सप्रेस के हर यात्री को बार और लाउंज में कॉम्प्लीमेंट्री बियर, वाइन और स्नैक्स दिए जाते हैं। डीलक्स कैबिन्स, LED टीवीज, DVD प्लेयर्स, ये सब महाराजा एक्सप्रेस के हर कैबिन में होते हैं। इसके अलावा डाइनिंग हॉल जिसमें 40 यात्री एक साथ भोजन कर सकते हैं, और अगर इतने से भी मन ना भरे तो आप इस ट्रेन की बुटीक में जाकर कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं, जहां केवल सबसे बेहतरीन कलेक्शंस को रखा जाता है। महाराजा एक्सप्रेस के डीलक्स कैबिन्स की टिकट 3.5 लाख से शुरू होती है और प्रेसिडेंशियल स्वीट्स की कीमत 16 लाख रुपए तक की जाती है। तो क्या आप भी इन ट्रेन्स में से किसी पर सफर करना चाहेंगे? क्योंकि रेलवे इन लग्जरी ट्रेन्स के किराए को 50% से कम करने का फैसला कर रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देखिए हमारा वीडियो टॉप 10 ब्यूटीफुल ट्रेन राइड्स। ओके जी, थैंक यू शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे महाराजा एक्सप्रेस की, जो नंबर 1 पे है और दुनिया की जो 5 खूबसूरत और महंगी जिसे आप कह रहे हैं ट्रेन, उनमें शामिल है, जो इंडिया से बिलोंग करती है ये ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस। और उसका किराया बताया गया 3.5 लाख से 16 लाख तक उसका किराया, और 40 बंदे बैठ के एक साथ डिनर डाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है, और शॉपिंग वगैरह भी। बकाया ट्रेनों में शॉपिंग का नहीं था सुना, लेकिन इसमें शॉपिंग का है ना महाराजा में, बिल्कुल सही है यार, बहुत ज़बरदस्त। मतलब सारी ट्रेनें अच्छी हैं, लेकिन जो पहली 3 है ना, ठीक है, जिसमें महाराजा और राजस्थान ऑन व्हील्स था, उसका भी मेरे तो पहले से यार फेवरेट। एक तो मतलब बजट बहुत कम है, जिसमें अफोर्डेबल भी है और आसानी से बंदा जो है ना एंजॉय भी कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे तो खैर वो बहुत अच्छी लगी। जो पहले उसने बताई है महाराजा एक्सप्रेस, उसमें मतलब वो कह रहे थे कि ज्यादा जो बंदे फॉरेनर बाहर से आते हैं बंदे, वो ही ज्यादा उसमें ट्रेवल करते हैं और इसी वजह से उसको ज्यादा प्रोटोकॉल मिलता है, पैसे ज्यादा होते हैं, वो ही अफोर्ड कर सकते हैं जाहिर है, क्योंकि इंडिया में वही बंदा इसको अफोर्ड करेगा जो कि बिजनेसमैन है या फिर इस तरह की, क्योंकि जितना वो कराया उसका फेयर बता रहे हैं 3.5 लाख से लेके मतलब 16 लाख तक उसका फेयर है। तो मेरे ख्याल से मतलब जो कोई बिजनेसमैन लीड क्लास फैमिलीज होंगी जो कि उसमें ट्रेवल करती होंगी, आम बंदे की कौन से बाहर है। बिल्कुल। और सेकंड नंबर पे जो ट्रेन थी वो राजस्थान, राजस्थान हाँ, वो भी मेरे ख्याल से शाही लोग जो होते हैं, हाँ, शाही जो फैमिलीज होती वो हैं वो, मैं उसमें तो बस जहाँ जहाँ पे खाने वाला सीन हो रहा था मेरा बस दिमाग वहाँ पे जा रहा था, और उसमें खाने वाला सीन बहुत अच्छा था, बहुत बेहतरीन। आपको भूख लगी है? हाँ, बाकी यार जिस तरह की वो डिलीशियस डिशें उसमें दिखा रहे थे, तो मैं समझता हूँ ये जहाज से भी ज्यादा महंगा कराया है। जी, जहाज से महंगा है, क्योंकि अगर आप यूरोप के भी टिकट देखें 1.5-2 लाख का टिकट मिल जाता है, बड़ी कोई एलीट मतलब आप उसमें जाएं, नहीं नहीं बिजनेस क्लास में भी, हाँ, वो महंगा होता है सर, कितना महंगा, लेकिन ये इस ट्रेन से ज्यादा महंगा नहीं होगा। 16 लाख तो किसी की भी नहीं, 16 लाख किसी की भी नहीं है, ये मतलब बड़े ही कोई मतलब लीड क्लास फैमिलीज होंगे या कोई लोग होंगे बिजनेसमैन जो जिनको पता नहीं होगा पैसे जाया कैसे करने वैसे करते हैं। बिल्कुल, हो सकता है उनके लिए ये भी थोड़े हों, ठीक है।
अब जाएगा कोई भी तो अकेला नहीं, फैमिली के साथ ही जाएगा। अगर इसको मतलब पाकिस्तान की ट्रेन का आप हाल देख लें, ठीक है, इस किसी भी जो मैं समझता हूँ कि वो 10वें नंबर पर ट्रेन है हमारी, वो पहले नंबर पे भी नहीं होगी, ठीक है। इतनी लो क्लास यार, मतलब क्लास की ये ट्रेनें इधर पाकिस्तान में, नो कंपैरिजन, मैं इतना ही कहूँगा। पाकिस्तान की ट्रेन जो है वो थकर ट्रेन से, क्योंकि हमने ट्रैवल किया हुआ है तो मतलब मज़ा नहीं। मेरा भी एक दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ है ट्रैवलिंग का, एक ही दफ़ा जिंदगी में बैठा था, शौक था लेकिन अच्छा जलील ही होकर बैठा। अच्छा यार, बहुत खूबसूरत आपने हमारे साथ है? शौक लत गया सी, शौक उतर गया उस टाइम बाथरूम बाबा जी आया हुआ तो बाहर बुआ खोल लिया, तो फिर बाथरूम खत्म वापस चला गया। वीडियो को क्लोज करते हैं, हाँ जी क्लोज करते हैं वीडियो। वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस लाजमी हमारे साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे एक नए रिएक्शन के साथ। अब तक के लिए अल्लाह।